तो गाइज ये रही हमारी बाइक, देखिए। सो फाइनली गाइज आपके भाई ने ले ली है एक्सपल्स की डिलीवरी। सो गाइज आज काफी ज्यादा खुश हूँ मैं कि बाइक ले रहा हूँ एक्सपल्स। सो हे हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो सारे, आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइज आज मैं बिल्कुल रेडी हो रखा हूँ और मेरे साथ है आर्यन। आज जैसे कि आपको टाइटल से पता लग गया है, आज मैं अपनी एक्सपल्स की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ और जो कि मैंने लिया है पटेल नगर शोरूम से। तो आज चलते हैं आर्यन की बाइक में, आज चलेंगे और पटेल नगर से अपनी बाइक की डिलीवरी लेंगे और आपको दिखाते हैं कितने की पड़ रही है ऑन रोड। तो फुल इंजॉय करेंगे आर्यन क्यों। सो गाइज आज काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं कि बाइक ले रहा हूँ एक्सपल्स। तो चलते हैं गाइज। आज हम जाने वाले हैं अपनी RC 200 में, जो कि है आर्यन की। तो काफ़ी टाइम से RC चला रहा हूँ गाइज। सो गाइज निकल रहे हैं अब घर से और आज अपनी धन्नो को लेकर आने वाले हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और RC का भी फील अलग ही है गाइज। तो फटाफट से शोरूम पहुंचते हैं और आज आपको दिखाएंगे पूरी डिलीवरी। सो गाइज अभी रिस्पना पुल पहुँच चुके हैं और यहाँ से जाना है मैं कारगी चौक। कारगी चौक से राइट लेके पटेल नगर, तो पटेल नगर में हमारा सानवी हीरो। सो गाइज अब पहुँचने ही वाले हैं शोरूम, बस कुछ ही कदम की दूरी पे हमारा शोरूम और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है गाइज। सो गाइज ये रहा हमारा हीरो शोरूम और बाइक यहाँ पे पार्क करते हैं, चलते हैं अंदर से, फटाफट पेपर वर्क निपटाते हैं। चले आर्यन। शायद गाइज हमारी गाड़ी अंदर ही खड़ी है। तो गाइज ये रही हमारी बाइक, देखिए अंदर खड़ी है बिल्कुल चमकती हुई। तो गाइज हमारी बाइक देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ब्लू एंड ब्लैक कलर काफ़ी सेक्सी है और मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था। तो गाड़ी देखिए गाइज काफ़ी प्रीमियम लग रही है। तो फटाफट से पेपर वर्क निपटाते हैं और फिर लेते हैं गाड़ी की डिलीवरी और चलेंगे फिर डाट काली। सो पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब लेनी है डिलीवरी और फिर निकलते हैं अपनी जर्नी पे। सो फाइनली गाइस आपके भाई ने ले ली है एक्सपल्स की डिलीवरी और मैं और आर्यन अभी जा रहे हैं डाट काली। तो गाइस आज मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था एक बाइक का और आज मैंने फाइनली ले ली है। तो चलते हैं गाइस। सबसे पहले जाना है पेट्रोल पंप क्योंकि शोरूम वाले इतना तेल नहीं देते हैं कि हम ज़्यादा लंबी ड्राइव कर सकें। इससे एक डंडा तेल दिखा रहा है, पेट्रोल पंप पे जाते हैं और यहाँ हम आज डलवाएंगे फ्यूल। ज़्यादा नहीं डलवाएंगे क्योंकि हमें हर किसी पेट्रोल पंप पे ट्रस्ट नहीं होता है। तो सो गाइस भरवा लिया है पेट्रोल, अब चलते हैं डाट काली। सो आप देखिए अभी हम जंगल में पहुंच चुके हैं और यहाँ की रोड भी चौड़ी होने वाली है। देखिए आप काम चालू है और इस जंगल में भी अलग ही वाइब आती है। पेड़ों के बीच सुनसान रोड, आजकल काफ़ी ट्रैफिक है बट वैसे ही ज़्यादातर सुनसान ही रहती है। तो गाइज अभी नई गाड़ी है इसलिए ज़्यादा भगा नहीं सकते, प्यार प्यार से जा रहे हैं। 50 अराउंड चल रहे हैं, 50-51। आपको आगे पूरा रिव्यू देंगे एक्सपल्स का। गाइज मुझे ये गाड़ी पड़ी है 1,59,300 समथिंग, बिकॉज जब मेरे फ्रेंड्स लोगों ने ली थी तो उस टाइम पे थोड़ा सस्ती थी। मेरे फ्रेंड्स ने ली थी 1,52,000 और गाड़ी के प्राइस थोड़ा इंक्रीज़ हो गए हैं तो 1,59,300 समथिंग की पड़ी है। मैंने इंस्टॉलमेंट का भी पता किया वहाँ पे, तो इंस्टॉलमेंट अगर आप एक साल की करवाते हो तो उसमें आपको 8,000 रुपये ज़्यादा पे करना पड़ता है एक साल में। और अगर आप 2 साल की इंस्टॉलमेंट करवाते हो तो आपको 16,000 एक्स्ट्रा पे करना है, जो कि मुझे वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए मैंने पूरी ऑन कैश गाड़ी ले ली। तो अभी हम जा रहे हैं माँ डाट काली के मंदिर, जो कि प्रसिद्ध है गाड़ियों के लिए। तो अगर आप वहाँ अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो दुर्घटना से आपकी गाड़ी हमेशा सेफ रहती है। तो इसलिए आप भी अगर देहरादून से हो और आपको अगर नहीं पता है डाट काली, तो आप पता करके जाइए। ये है सहारनपुर रोड पे, और माता रानी के दर्शन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप गाड़ी के लिए जाइए, माता रानी के दर्शन करने ज़रूर जाइए आप। और पुरानी हो या नई गाड़ी, लोग पूजा ज़रूर करवाते हैं माँ डाट काली के मंदिर में। सो इस टनल को पार करने के बाद आ जाता है हमारी माता रानी का मंदिर। तो पहुंच चुके हैं हम डाट काली मंदिर, और गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ। देखिए गाइस, नई नई गाड़ियों की बौछार, सारी गाड़ियाँ यहीं आती हैं पूजा के लिए। तो यहाँ पे पार्क करते हैं गाड़ी। ये हमारी बाइक, पहुँच चुके हैं माँ डाट काली के मंदिर, और देखिए गाड़ी बिल्कुल चमक रही है अभी। तो यहाँ से लेना होता है प्रसाद, तो पहले शूज़ वगैरह उतारते हैं। तो गाइस प्रसाद ले लिया है, और आर्यन साथ में है मेरे। चले आर्यन, तो अंदर से पहले दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद गाड़ी की पूजा करवाएंगे। दर्शन हो गए, और अब जाना है गाड़ी के पास। अरे नहीं पकड़ो, और गाड़ी की आज पूजा कराएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस। तो यहाँ पे भी मत्था टेकिए। चलो तो आप आइए यहाँ ज़रूर। और अब चलते हैं गाड़ी के पास। देखिए गाइस, यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं, ये भी नई नई गाड़ियाँ यहाँ पे देखिए आप आती हैं, और यहाँ पे पूजा होती है। तो हम भी अपनी गाड़ी की पूजा करवाते हैं, माता का आशीर्वाद मिलता है यहाँ पे। और आर्यन देखिए काफ़ी स्मार्ट लग रहा है आज, स्मार्ट लग रहा है, दाढ़ी बढ़ गई। आर्यन आप खुश हो? फैमिली में एक नई बाइक आ गई है। हाँ, एक और फैमिली मेम्बर बढ़ गया हमारे। तो फाइनली गाइस, बाइक मेरे पीछे खड़ी है, पूजा वगैरह सब हो गई है। फाइनली आज ले ली है एक्सपल्स, तो आगे इसकी रिव्यू वीडियो भी बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे, और इसमें ऑफ रोडिंग भी करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे विश करना चाहते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए कमेंट में। मिलते हैं ऐसे तो कंटेंट के साथ आगे, तब तक के लिए बाय बाय।